हर किसी से परीक्षा लेना, हर किसी की परीक्षा लेना, मगर भगवान की कभी परीक्षा मत लेना। एक व्यक्ति था, उसके गुरु ने एक बात कही कि बेटा आज मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मंदिर में जो हम पूजा करते हैं आज के बाद वो पूजा तुम करोगे। चेला ने कही ठीक है। गुरुजी के जाने के बाद में चेला ने पूजा की। पूजा करने के बाद में गुरुजी जो प्रसाद होता था वो भोग लगा करके और वहीं पर ढक के रख दिया करते थे। चेला के मन में घमंड आया, उसने जवाब दिया है कि ये कैसे भगवान है जो इनके लिए प्रसाद बना करके रख देते हैं, ये बिल्कुल खाते नहीं है, सुबह का देखते हैं तो वैसा का वैसा ही रखा रहता है। चेला ने जवाब दिया है कि अगर आज भगवान नहीं आए तो हमारा विश्वास वो खत्म हो जाएगा कि संसार में भगवान भगवान कुछ नहीं है। चेला ने बड़े सुंदर से पकवान बनाए, पकवान बना करके भगवान की मूर्ति के आगे रख दिए। चेला थोड़ा सेकंड हैंड घोपड़ी का था, तो मूर्ति के आगे जब प्रसाद रख दिया, बोले हैं कि भगवान आ जाओ, राम जी आ जाओ, भोग लगा जाओ, लेकिन भगवान नहीं आए। घंटी भी बजाई फिर भी भगवान नहीं आए। चेला को गुस्सा आ गई तो कुन्ना में एक लाठी रखी थी और लाठी लेकर के चेला जैसे ही मूर्ति के ऊपर आकर के लाठी को छोड़ा, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या था जो आज तो आप मुझे मारने के लिए जा रहे थे? चेला बोला है कि आज तक गुरुजी ने तुम्हें भोजन खिलाया लेकिन तुम कभी आए नहीं। आज मैंने मन में विचार किया है कि भगवान अगर आएंगे तभी हम प्रसाद उनके लिए लेकर के आएंगे, और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, आज के बाद प्रसाद वरसाद सब बंद हो जाएगा। भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से भोजन खाया। दूसरा दिन हुआ, चेला ने दो लोगों के लिए भोजन बनाया, अपने लिए और राम जी के लिए। दूसरे दिन भगवान श्री राम को बुलाया, और जब राम जी को बुलाया है तो राम जी साथ में आए और साथ में सीता जी को लेकर के आए। चेला के अंदर जो घमंड था, दो लोगों का भोजन बनाया था उसने, राम और सीता जब आ गए तो चेला ने वो दोनों को परस दिया, आज वो भूखा रह गया। तीसरा दिन हुआ तो तीन लोगों का भोजन बनाया, राम जी को बुलाया, राम जी सीता जी को साथ लेकर के आए, खुद आए और लक्ष्मण जी को लेकर आए। तीन लोगों का भोजन था, तीनों ने खा लिया, चेला फिर भूखा रह गया। चौथा दिन हुआ, तीन लोगों के लिए भोजन बनाया, लेकिन प्यारे भक्तों आज जब चार लोगों के लिए भोजन बनाया चेला ने, तो भगवान श्री राम को बुलाया, भगवान श्री राम सीता मैया लक्ष्मण जी साथ में हनुमंत लाल को लेकर के आए। चेला ने जैसे ही देखी तो फिर लाठी उठा ली, एक दाए हो जाए, दो दाए हो जाए, एक को लेके आए, दो को लेके आए, अब तो तुम पूरे परिवार को ही लेके चले आ रहे हो। भगवान बोले हैं कि तेरे अंदर वो घमंड था कि भगवान कभी खाते नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। चेला तूने ये जो भोजन बनाए, इस भोजन के भूखे नहीं होते भगवान, तो केवल और केवल भाव के भूखे होते हैं। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भाव से भजलो प्रभु को तो भव से बेड़ा पार है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं।